को दोबारा लेना सर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हरप्रीत सिंह। आज जो गाना हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं यहाँ पर, ये गाना हम सुशील कुमार जी के ऊपर बना रहे हैं। इस गाने को लिखना इट्स नॉट ईजी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जिस शख्सियत के लिए हम ये गाना बनाने जा रहे हैं, ऑब्वियसली सभी जानते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं सुशील कुमार जी और उनके गुरु महाबली सतपाल जी, उनके ऊपर ये पूरा गाना बनाया गया है। ये गाना उनको डेडिकेट करना चाहते हैं। दोबारा आते हैं महाबली, महाबली वाला जो लाइन है वो और थोड़ा हेवी चाहिए। ठीक। धक 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 धड़के दिल में तेरे शोला दहके, धक 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 धड़के दिल में तेरे शोला। सुशील कुमार जी के ऊपर हमने जो गाना जो बनाया है, उनको ट्रिब्यूट किया है, उस गाने के बारे में मैं थोड़ा सा शॉर्टली मैं बताना चाहूँगा। तो गाना जो है बहुत ही एक अच्छा गाना है, एक एनर्जेटिक गाना है, और उसको डिजाइनिंग करने में भी काफ़ी मज़ा आया, और गाने इतनी अच्छा है, आपको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उसको मिक्सिंग करने में हमने काफ़ी मेहनत किया है, सुनिएगा आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बस कह रहे सर यार, डिनर तो करने दो यार, भूख लग रही है, लेट नाइट हो चुका है, और वी आर रिकॉर्डिंग फ्रॉम लास्ट 5 आवर्स, और मेरा गला भी आप देख रहे हैं जैसे कि बैठता जा रहा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक, और आज मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम सुशील कुमार जी के लिए एक वीडियो एडिट करने जा रहे हैं, और ये गाना हरप्रीत जी ने गाया है और इसे कंपोज भी किया है। आई होप ये गाना और ये वीडियो दोनों ही आपको बहुत ज्यादा पसंद है।